हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर फोर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वर्कशीट सेवन है और क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग देखो क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म के मल्टीप्लाई ट टू पावर एन वेयर दिस के लाइज बिटवीन के इज लेस देन इक्वल टू वन सॉरी वन इज लेस देन इक्वल टू के एंड लेस देन टेन इसका मीनिंग ये है कि जो के है उसकी वैल्यू आपकी हो सकती है वन के ये अगर इक्वल ये ऐसे एक स्टिक यहाँ लगी है तो इसका मीनिंग होता है इक्वल के आपका इक्वल है वन के या फिर आपका के वन से बड़ा हो सकता है मतलब वन के बाद और क्या होगा वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बट लेस देन टेन मतलब वन टू नाइन आपकी कोई डिजिट हो सकती है ठीक है अब आप यहाँ से देखें वन टू नाइन और वन टू नाइन के बीच के डेसिमल वाले नंबर भी ठीक है अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको इसको कहने का मतलब है एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ठीक है तो अब आप यहाँ से देखें हम इसको ओपन करते हैं देखो तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है टेन पास, टू पावर सेवन डिवाइडेड बाई फाइव मल्टीप्लाई टेन डेस्ट टू पावर थ्री तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन रेस टू पावर सेवन ठीक है एक ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है अब बीच में डिवीज़न का सिंबल आ गया यहाँ पर डिवीज़न जब भी आती है मुझे पता है मैं डिवीज़न को का मतलब क्या होता है कि मैं उसको कहाँ लिख सकती हूँ बाय में तो बाय में ये सारी ही चीज़ आएगी मतलब हमारे पास आएगा फाइव मल्टीप्लाई टेन रेस टू पावर थ्री देखो यहाँ तक समझ आया नहीं डिवीज़न का मतलब होता है कि डिवीज़न के बाद जो कुछ चीज़ लिखे उसको आप बाय में ऐसे नीचे लिख लो ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखो यहाँ से मैं लिखती हूँ इसको वन पॉइंट टू फाइव एक बार मैं आ, अगले स्टेप में ही लिखूँगी एक बार तो सारा इट इज़ लिख रही हूँ बताती हूँ कैसे फाइव मल्टीप्लाई टेन रिस्ट एक बार तो मैंने सारा इट इज़ लिखा अब बताती हूँ मैं क्या करना चाह रही हूँ यहाँ से जो डेसिमल है मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगी ठीक है मैं क्या करूँगी यहाँ पर ये यह जो डेसीमल लिखा हुआ है हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे यहाँ से डेसिमल रिमूव हुआ तो मैं इधर थोड़ा पीछे लिख देती हूँ डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो मतलब यहाँ से क्या आएगा हंड्रेड आ जाएगा क्लियर है अब आप यहाँ से देखिए आप यहाँ पर हम इसको क... यहाँ पर फाइव है यहाँ वन ट्वेंटी फ़ाइव है चाहो तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दो ठीक है तो यहाँ से कितना आएगा फ़ाइव वन जो फाइव फ़ाइव टू ज़र टेन फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव तो यहाँ से तो आ रहा है ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है इन टू में अब मैं टेन वाला सब कुछ एक तरफ लिख रही हूँ ठीक है यहाँ से आपका कितना आएगा टेन टू पावर सेवन यहाँ से है टेन टू पावर सेवन यहाँ से है और आप यहाँ से देखो आप इसको क्या लिख सकते हो टेन टू पावर या फिर आप इसको देखो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो ज़्यादा आप क्योंकि अभी छोटी क्लास में कन्फ्यूज़ हो जाओगे टेन रेस्ट पावर सेवन है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर सेवन पावर है या तो आप इसको ऐसे ज़ीरो जीरो सेवन टाइम लिख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इससे थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा यहाँ पर थ्री है तो वन टू थ्री और यहाँ से वन हंड्रेड ठीक है देखो इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है सेवन पावर थी तो यहाँ पर हमने सेवन जीरोज लगा दिए थ्री पावर थी तो थ्री ज़ीरो लगा दिया और वन हंड्रेड था तो ऐसे अब इसमें से ज़ीरो कैंसिल करो वन टू वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री तो हमारे पास यहाँ पर आया है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड आया है मैं हंड्रेड को क्या लिख सकती हूँ मैं हंड्रेड को टेन डेज टू पावर टू लिख सकती हूँ बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं ठीक है अभी तो खैर आप अपने घर पर बैठे हैं मुझे तो कैसे बताएँगे तो यहाँ से देखो सिर्फ़ वन हंड्रेड लिखा होता तो वन हंड्रेड को मैं टेन टू पावर टू लिख सकती हूँ अब मुझे इसमें क्योंकि इन्होंने देखो आपका क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन वही है के इन टू टेन रेस्ट पावर एन वाला मतलब आपका के सिर्फ़ एक सिंगल वन और नाइन के बीच एक सिंगल डिजिट में आना चाहिए ये तो ट्वेंटी फाइव है ठीक है तो मतलब आपको यहाँ पर डैसीमल लगा हुआ है उसको आपको कहाँ पर कर लेके आना है यहाँ लेकर आना है तो आप इसको क्या करोगे आप इसको टू पॉइंट फाइव लिख दोगे इस टेन रेस्ट पावर टू का मैंने कुछ नहीं किया इसको थोड़ा सा दूर करके लिख दिया अभी मैं सिर्फ इस छोटे से क्वेश्चन को कर रही हूँ डेसिमल को मैं यहाँ राइट right टू लेफ्ट लेके आई हूँ तो मैंने आपको सिखाया था जब भी हम राइट टू लेफ्ट लेके आते तो हमारे टेन की पावर कैसी आती है पॉजिटिव आती है एक प्लेस आगे किसका है तो पावर कितनी आ जाएगी वन तो आपका आंसर आएगा टू पॉइंट फाइव अभी यहाँ से देखो टेन की पावर वन यहाँ से या टेन की पावर टू यहाँ से तो टोटल कितनी हो जाएगी टेन की पावर बेस सेम है दोनों में टेन टेन तो पावर ऐड हो जाएंगी तो वन प्लस टू हो जाएगा तो आपकी पावर कितनी आ जाएगी थ्री ठीक है अगर एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना अदरवाइज आप एक दो क्वेश्चन और आगे के देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट यहाँ से भी हम क्या करेंगे हम इसमें से जो टेन की पावर वाले हैं उनको एक तरफ लिखेंगे और जिनमें ये जो बड़े वाले नंबर हैं इनको एक तरफ क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही है ना सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो हम इनको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओपन करी तो यहाँ से क्या आएगा टू है मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर टेन है इन यहाँ से मेरे पास लिखा हुआ है थर्टी वन पॉइंट टू फाइव थर्टी वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर माइनस फाइव मैंने सारी ब्रैकेट हटा दी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो सबको ही करनी है अब मैं जिन में टेन डेज टू पावर वाले हैं उनको एक तरफ लिखूँगी ये टू पॉइंट फाइव आगे लिखा ऐसे यहाँ से थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इसको आगे लिखा ये टेन की पावर टेन पीछे लिख दी और टेन की पावर माइनस फाइव अलग ठीक है इसमें तो कुछ हो नहीं हो बस इनकी जगह आगे पीछे कर दी उससे कोई इफेक्ट नहीं है अब हम क्या करेंगे देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और यहाँ देखो यहाँ पर बेस सेम है टेन यहाँ पर भी है टेन यहाँ पर भी है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है मतलब क्या होगा टेन और माइनस फाइव ठीक है यहाँ से पावर है टेन और यहाँ से माइनस फाइव ठीक है इन दोनों को क्या करना है जब बेस हो सेम हो तो आपकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ठीक है यही यही लिखा मैंने अभी हम इसको थर्टी वन पॉइंट टू फाइव को टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से जब हम यहाँ पर थ्री वन टू फाइव और ट्वेंटी फाइव देखो यहाँ से अगर आप थ्री वन टू फाइव और ट्वेंटी फाइव मैंने अभी डेसिमल नहीं लिया यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया है सेवन एट वन टू फाइव ठीक है ये आता है सेवन एट वन टू फाइव अब आप यहाँ से देखो इनको मल्टीप्लाई करके तो लिख लिया ले, लेकिन अभी डेसिमल तो पुट करना है ना डेसिमल देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो टोटल कितनी हो जाएंगी एक डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ से डेसिमल के बाद दो डिजिट यहाँ से तो टोटल थ्री हो जाएंगी वन टू थ्री यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा ठीक है तो ये आता है हमारे पास सेवेंटी एट पॉइंट वन टू फाइव और यहाँ से देखो टेन डेज टू पावर कितना बनेगा टेन है और प्लस माइनस माइनस फाइव हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ से क्या आएगा अभी आप यहाँ से देखो अब आपको यहाँ पर डेसिमल को यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है आपको तो एक नंबर के पीछे लेके आना होता है तो ये यह यहाँ से हट के यहाँ पर आएगा मीन सेवन पॉइंट एट वन टू फाइव यहाँ से तो हट चुका है डेसिमल तो यहाँ पर आ गया सेवन के बाद आ गया सेवन पॉइंट एट वन टू फाइव अब आप ये बताओ इसके ऊपर क्या ही डलेगा जब भी आप राइट टू लेफ़्ट लेके जाते हो जब भी आप राइट टू लेफ़्ट लेके जाते हो तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आता है एक ही डिजिट सिर्फ एक ही डिजिट आगे गए हैं तो मतलब ए वन पावर आएगी और यहाँ से कितनी हो जाएगी टेन में से फाइव माइनस करेंगे तो फाइव तो आपका आएगा सेवन पॉइंट एट वन टू फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर देखो यहाँ से कितनी आएगी यहाँ से पावर वन है यहाँ से पावर फाइव है बेस से मैं तो पावर ऐड होगी वन में फाइव ऐड कर देंगे तो सिक्स यही आपका क्या आ जाएगा आंसर क्लियर है नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर नाइन मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन रेस टू पावर माइनस थ्री क्लियर है अब आप यहाँ से देखें अब हम वही करेंगे मैंने अभी अभी, अभी आपको सिखाया था कि एक बार तो आप यहाँ से ब्रैकेट हटा दो वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर नाइन मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट ज़ीरो मल्टीप्लाई टेन रेस टू पावर माइनस थ्री टेन वाले पीछे लिख लेंगे और यहाँ से वन पॉइंट सिक्स आगे लिखो और मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट जीरो आगे लिखो टेन टू पावर नाइन यहाँ से और टेन रेस्ट टू पावर माइनस थ्री यहाँ से ठीक है अब आप यहाँ से देखो अब मैं इन दोनों ये जिन जो टेन की पावर वाले उनका अलग से हिसाब करेंगे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर यहाँ डेसिमल ना हो तो ये है सिक्सटीन और ये क्या है फाइव तो सिक्सटीन फाइव से कितने होते हैं एट्टी ठीक है सिक्सटीन फाइव से होते हैं एट्टी और एक ज़ीरो आएगी यहाँ से क्लियर हुआ है यहाँ से ठीक है जब आपने सिक्सटीन को फाइव से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन फाइव जी एट्टी और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी अब आप यहाँ से देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें है डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें तो टोटल टू डिजिट हो जाएंगी वन टू डेसिमल आएगा आपका यहाँ इंटू में टेन की पावर बेस सेम है तो आपकी पावर ऐड होंगी यहाँ से है नाइन नाइन में मैं यहाँ प्लस करूँगी प्लस माइनस थ्री ठीक है नाइन जब आप ये लिखते हो नाइन और उसमें प्लस कर दोगे ये माइनस थ्री तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस थ्री तो नाइन माइनस थ्री तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एट के देखो एट उसके बाद डेसिमल है बहुत सारी जीरोज़ हैं यहाँ डेसिमल अब इसके पीछे चाहे आप एक जीरो लगाओ या दो तीन या चाहे हज़ार जीरो लगा दो उससे कोई इफेक्ट नहीं लगता ठीक है चाहे कितने भी जीरो लगा दो वो एक लगाओ या कहीं लगाओ एक ही मीनिंग है वो तो यहाँ से टेन की पावर आएगी नाइन में से थ्री माइनस होगा तो कितना आ जाएगा सिक्स यही आपका आंसर है नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट अब आप यहाँ से देखो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखो यहाँ से है मेरे पास थ्री पॉइंट फोर ये एक बिग ब्रैकेट के अंदर बंद है स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर तो मैं इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ टेन रेस टू पावर फोर फाइव पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर माइनस थ्री अब इसके डिवीज़न में ये चीज़ है तो ये डिवीज़न में तो सारा कहाँ आ जाएगा नीचे टू पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर फाइव ठीक है अब हम इसमें से ये कर लेते हैं टेन की पावर वाले तो थोड़ा पीछे करके लिख लेंगे यहाँ से सबसे पहले थ्री पॉइंट फोर लिखो ठीक है उसके बाद ये फाइव पॉइंट जीरो लिखो फाइव पॉइंट जीरो देखो इसको तो आप सिंपली लिख दो फाइव पॉइंट जीरो आप इसको हटा दो बस यहाँ से क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो हम उसको हटा सकते हैं ठीक है टेन की पावर फोर पीछे लिखा मैंने थोड़ा सा टेन की पावर माइन टेन की पावर वाले थोड़ा पीछे करके लिखेंगे टू पॉइंट ज़ीरो इसको हटा दो सिंपली टू रह जाएगा और यहाँ से टेन की पावर फाइव ठीक है हो गया जितना मतलब हमें एडजस्ट करके लिखना था लिख दिया अब इस डेसिमल को अगर मैं रिमूव करूँ तो नीचे आ जाएगा टेन ठीक है तो यहाँ से आएगा इस टू से थर्टी फोर कैंसिल होगा टू वन जो टू टू वन ज़ार टू टू सेवन ज़ा फोरटीन तो मेरे पास आता है यहाँ से सेवनटीन यहाँ से फाइव सेवनटीन और फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे सेवनटीन फाइव जै एट्टी फाइव ठीक है क्लियर है अब आप यहाँ से देखो एट्टी फाइव है यहाँ से टेन की पावर फोर है ठीक है टेन की पावर कितनी है फोर तो अब आप या आप ऐसा करो देखो बेस सेम है ना इनका बेस सेम है तो पावर ऐड करके लिख दो तो कितनी आ जाएगी फोर माइनस थ्री आ जाएंगी यहाँ पर भी बेस देखो एक थोड़ा सा ध्यान से समझो सेवनटीन को फाइव से मल्टीप्लाई किया एट्टी फाइव टेन की पावर फोर यहाँ पर है टेन की पावर माइनस थ्री हैं जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगी फोर और उसमें ऐड होगा माइनस थ्री मतलब प्लस माइनस थ्री जब आपके दो सिंबल इकट्ठे हों प्लस माइनस माइनस थ्री तो मैंने यहाँ लिखा फोर माइनस टेन अब आप यहाँ देखो टेन की पावर फाइव यहाँ पर है टेन की पावर वन यहाँ पर है बेस सेम है तो पावर ऐड होगी वन प्लस फाइव कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी सिक्स ठीक है मैंने जानबूझ के लिख रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये फोर माइनस थ्री क्यों लिखा है जब आपको एक बार समझ आ जाएगी तो आपको ऐसे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो फोर में से थ्री माइनस करेंगे कितना होगा वन और यहाँ से टेन की पावर कितनी हो जाएगी वन में आप फ़ाइव ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा सिक्स ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ ठीक है अब हम इसको देखो क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एट्टी फाइव मल्टीप्लाई अब यहाँ पर भी बेस सेम है यहाँ पर टेन है यहाँ पर भी टेन है बेस सेम है तो पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है ठीक है अगर बेस सेम हो और डिवीज़न में हो याद करो मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर भी टेन बेस है यहाँ पर भी टेन बेस है बेस सेम हो लेकिन डिवीज़न में हो तो पावर आपकी क्या होती है सब्ट्रैक्ट वहाँ से वन है और ये इसमें से माइनस हो जाएगा ये सिक्स तो आपके पास आया अब आप यहाँ से देखो जो आपका नंबर है वो आपको किस फॉर्म में होना चाहिए यहाँ पर एट के बाद डेसिमल होना चाहिए जबकि आपका डेसिमल यहाँ है आप यहाँ से इसको खिसका के यहाँ लेके आओगे तो आपका आएगा एट लगा दोगे ठीक है इन टू टेन अब देखो ये तो अलग से चल रहा है इसका ये तो अलग से चल रहा है अब आप इसको यहाँ खिसका के ले आए हो जब भी आप राइट टू लेफ़्ट लेके आते हो तो एक डिजिट किस का है तो टेन की पावर कितनी आएगी वन और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इन टू यहाँ से टेन की पावर कितनी हो जाएगी टेन की पावर यहाँ से आ जाएगी माइनस फाइव क्लियर है दोनों अलग ये प्लस का ये माइनस के तो बड़े में से छोटा माइनस किया हैं सिक्स में से वन माइनस हुआ फाइव सिक्स बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस तो यहाँ से आ जाएगा एट पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई अब यहाँ से देखो बेस सेम है यहाँ पर भी बेस टेन है यहाँ पर भी बेस टेन है बेस सेम हो मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर ऐड होती है मीन्स वन वन और उसमें प्लस कर दो माइनस फाइव प्लस कर दो माइनस फाइव वन प्लस माइनस माइनस फाइव तो यहाँ से आ जाएगा एट पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन फाइव में से वन माइनस होगा फोर फाइव बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस थोड़े से देखो अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है तो उसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क चल रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फोर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इस चैप्टर की जो भी प्ले बनेगी और पी का लिंक होगा वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं थैंक यू सो मच